नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामला सुनवाई पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित किया। सुनवाई दिन प्रतिदिन करने के आदेश दिए ताकि इसमें कोई देरी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ दिए जाने पर जोर दिया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में तेजी, बड़े राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। केंद्र ने हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए 9 राज्यों में 100 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर खोलने को मंजूरी दी। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अपहृत 7 भारतीय इंजीनियरों की तलाशी की कोशिशें जारी। व्लादिमीर पुतिन ने ऐतिहासिक 4थी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और आईपीएल 2020 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच हैदराबाद में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर के बाहर पठानकोट में करने के आदेश दिए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई बंद कमरे में और दिन प्रतिदिन होगी ताकि इसमें कोई देरी न हो। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह मुकदमा जम्मू कश्मीर में लागू रणबीर दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सुनवाई निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए ताकि आरोपी के साथ साथ पीड़िता के परिवार को भी न्याय मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता के परिजनों, पारिवारिक मित्रों और उसका मुकदमा लड़ रही वकील को दी जा रही सुरक्षा जारी रखने के भी आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि किशोर आरोपी को दी जा रही सुरक्षा भी जारी रहेगी। कठुआ सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने मामले की सुनवाई पठानकोट में कराने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उस कानून में संशोधन को नामंजूर कर दिया है जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून में संशोधन असंवैधानिक है। पीठ ने कहा कि यह संशोधन मनमाना और भेदभावपूर्ण है तथा इससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियों की आज समीक्षा की। कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करने के प्रधानमंत्री को राज्यों के साथ हुई बातचीत सहित अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत समाज के वंचित वर्गों और गरीबों को अधिकतम लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पिछले महीने आयुष्मान भारत के तहत पहले स्वास्थ्य और चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया था। इस योजना के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। पहला, समुदाय के नजदीक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछाना और दूसरा, देश की 40% आबादी को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाना है। आनंद के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। अरे यार, ऐसे ही रोता रहेगा या पापा को कुछ बताएगा भी? राजू बेटा, तू चुप होने का क्या लेगा बेटा? सिगरेट। क्या? अरे अरे अरे, क्या करा बेटा? अरे रे 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 रे। बेटा, सारी सिगरेट कूड़ेदान में क्यों फेंक दी? अब रोने की कोई बात नहीं है। ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, सिगरेट, तंबाकू और शराब के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। आज ही सरकारी अस्पताल जाके मुफ्त जांच कराएं। चलो बनाएं स्वस्थ भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केवल भाजपा ही राज्य की प्रगति सुनिश्चित कर सकती है। आज दावणगेरे में एक रोड शो के बाद लोगों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सिद्धरमैया की भ्रष्ट सरकार को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कोडागु में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कथित रूप से बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानूनी नोटिस जारी किया। शिकायत में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में विवादित महादेई नदी के मुद्दे का उल्लेख कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उधर अपने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं ने प्राकृतिक संसाधनों को लूटा है और 35,000 करोड़ रूपये का नुकसान पहुंचाया है। आज कोलार में प्रचार करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राज्य के किसानों के लिए एक रूपया भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र निजी क्षेत्र और भविष्य के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल दे रहा है, जिससे युवा लाभान्वित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टी 21वीं सदी के भारत के युवाओं की आवाज नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए हैं। इनमें से 11% ऋण अकेले कर्नाटक में ही दिए गए हैं। केंद्र ने हिंसा पीड़ित महिलाओं की तत्काल मदद के लिए 9 राज्यों में 100 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ये राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं को पुलिस की मदद, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श तथा कानूनी सहायता जैसी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2015 के बाद इस योजना के अंतर्गत अब तक 182 केंद्र स्थापित किए हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि राजनीति, रक्षा तथा किसी भी अन्य कार्यक्षेत्र में महिलाओं के काम करने के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता दे रही है जो अपना कारोबार खुद शुरू करना चाहते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्रों का विस्तार करेगी। इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य जनजातियों के आय बढ़ाने के लिए उनके कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि कुछ लोग बिना हेलमेट के सफर करने में एक अजीब सी खुशी उनको मिलती है, पर मेरा यह मानना है कि बिना हेलमेट का सफर करना यानी आत्महत्या करने वाली बात होगी और एक जिम्मेदार नागरिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक अनुशासित समाज और देश के लिए यह जरूरी है कि आप आज के आज ट्रैफिक अनुशासन को अपनाइए और अपनी जान बचाइए। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान के उत्तरी बंगाल प्रांत में तालिबान बंदूकधारियों द्वारा अपहृत 7 भारतीय इंजीनियरों का पता लगाने के कार्य में स्थानीय कबायली बुजुर्गों की सहायता ली जा रही है। प्रांतीय गवर्नर अब्दुल नेमती ने बताया कि सुरक्षा बल और स्थानीय अधिकारी लापता इंजीनियरों और उनके ड्राइवर का पता लगाने में लगे हुए हैं। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता जबीउल्लाह शुजा ने कहा कि भारतीय इंजीनियर विद्युत उपकेंद्र निर्माण की परियोजना में कार्यरत थे। आतंकवादियों ने कल उन्हें चश्मी शेर क्षेत्र से अपहृत कर लिया। भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अफगानिस्तानी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में आयोजित समारोह में आज चौथी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक रिपोर्ट। श्री पुतिन को 76% से अधिक मत प्राप्त करने के बाद दोबारा चुन लिया गया है। 65 वर्षीय पुतिन लगभग 2 दशकों से सत्ता में थे और इस तरह उन्हें इस चुनाव के बाद जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे अधिक वर्षों तक सत्ता में बने रहने का अवसर मिला। 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद रूसी संविधान के अनुसार चौथी बार उन्हें यह मौका नहीं मिल पाएगा। श्री पुतिन ने वायदा किया है कि वे अपने इस कार्यकाल
में देश की आर्थिक स्थिति को दोबारा पटरी पर ले आएंगे, लेकिन उन्हें कई नाजुक अंतर्राष्ट्रीय विवादों से भी निपटना होगा। गुलशन रावत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अतहर सईद। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल के लिए उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में मौसम की स्थिति के बारे में चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए भारतीय मौसम विभाग की सेवाओं के प्रमुख डॉ एम महापात्रा ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज बारिश और आंधी की संभावना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा और दिल्ली में कल तेज बारिश और आंधी आ सकती है। श्री महापात्रा ने कहा कि बुधवार से उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में सुधार की संभावना है। हमारा ये उम्मीद है कि कल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में लगभग अधिकांश जगह पर लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकता है। इसके साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में थंडर स्क्वाल हो सकता है, जैसे कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में विंड आ सकता है और नॉर्थ राजस्थान पे कल गस्टर्म और थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है और वेरी लाइट रेनफॉल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में आंधी और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य सरकार ने अधिकारियों से लोगों को जानमाल की सुरक्षा के एहतियातन उपाय करने को कहा है। सरकार ने आपदा से प्रभावित जिलों के किसानों से राजस्व और बिजली बिल वसूली स्थगित करने की घोषणा कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 153 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता के लिए केंद्र को ज्ञापन भेज दिया है। बीती रात आए आंधी तूफान से लगभग 15 जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आगरा जिला प्रशासन ने जहां पिछले दिनों आए तूफान में सर्वाधिक जान माल की क्षति हुई है, सरकार को अवगत कराया है कि किसानों की 45 लाख रुपए से अधिक की फसल नष्ट हो गई है। एटा प्रशासन ने किसानों को हुए फसल नुकसान के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए 50 लाख रुपए की मांग सरकार से की है। सुनील शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में आंधी से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब भी सामान्य नहीं हुई है। बुधवार को राज्य के तीन जिलों में आंधी आई थी। हमारे संवाददाता के अनुसार मौसम कार्यालय ने अगले 48 घंटों के दौरान कम से कम 26 जिले आंधी और भारी वर्षा से प्रभावित होने की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़, जैसलमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और भरतपुर समेत अन्य जिलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आपदा प्रबंधन और जन सहभागिता। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी कॉल किया जा सकता है। मणिपुर में नवंबर 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए शहरी स्वच्छता भारत मिशन पर सफलतापूर्वक अमल कर रहा है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है ताकि समय पर लक्ष्य पूरा किया जा सके। एक रिपोर्ट। 24 शहरों ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिसमें से 21 शहरों को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। निजी आवासों में शौचालय निर्माण के लिए आवास विभाग को 22,000 आवेदन मिले थे, जिसकी जांच के बाद तय लक्ष्य के मुताबिक अब निजी आवासों में शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इबोमचा शर्मा के साथ मैं शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, इम्फाल। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 293 अंक बढ़कर 35,208 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 97 अंक वृद्धि के साथ 10,716 पर आ गया। हैदराबाद में IPL 2020 क्रिकेट में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित करने और इसकी सुनवाई दिन प्रतिदिन करने के आदेश दिए ताकि इसमें कोई देरी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक में चुनाव अभियान तेज हो गया है। बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्र ने हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए 9 राज्यों में 100 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।